नमस्कार दोस्तों, आपने अक्सर विटामिन के इंजेक्शन का नाम जरूर सुना होगा क्योंकि इसे बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। तो दोस्तों, इसी विटामिन के इंजेक्शन के बारे में आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखना है। और साथ ही भैया, जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपना प्यार जरूर दिखाएं। और हाँ, वीडियो को पूरा देखेंगे तो इस वीडियो से आपको बहुत ही अच्छी और पूरी जानकारी मिलने वाली है। सबसे पहले बात करेंगे कि भाई, ये जो विटामिन के है, ये आखिरकार है क्या? तो दोस्तों, ये फैट सल्यूबल विटामिन है। दोस्तों, ये जो विटामिन के है, ये हमारे शरीर में बहुत सारी प्रोटीन्स का निर्माण करती है जो कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और साथ ही हमारी बोन्स के विकास के लिए भी बहुत ही आवश्यक होते हैं। अब बात करें कि भाई, मेडिकल स्टोर पे ये जो इंजेक्शन है किस नेम से मिलेगा? तो दोस्तों, ये अपने मूल नेम विटामिन के इंजेक्शन के नाम से भी आपको मिल जाएगा। इसके कुछ फेमस ब्रांड नेम भी हैं, जैसे कि केविन इंजेक्शन के नाम से मिल जाएगा और साथ ही साथ दोस्तों, ये आपको वीटासिड के इंजेक्शन के नाम से भी आसानी से मिल जाएगा। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि जो ये विटामिन के इंजेक्शन है, इसके यूजेस क्या क्या हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो इसका उपयोग सामने निकल के आता है, अगर किसी के शरीर में विटामिन के की कमी हो गई है तो उस कंडीशन में डॉक्टर इसका उपयोग करते हैं। साथ ही दोस्तों, कुछ अदर कंडीशन है, जैसे कि न्यू बॉर्न बेबी में ये इंजेक्शन बहुत ज्यादा डॉक्टर लगाते हैं। उसके जन्म होते ही इसकी पहली डोज डॉक्टर बच्चे को लगाते हैं, क्योंकि दोस्तों, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसमें विटामिन के की कमी होती ही होती है, जिसको हेमरहेजिक डिजीज भी बोला जाता है। तो बच्चों में इस इंजेक्शन का उपयोग बहुत ज्यादा किया जाता है। साथ दोस्तों, इसका जो अगला उपयोग है, अगर किसी के शरीर में ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन, जिसको प्रोथ्रोम्बिन कहते हैं, अगर इसकी कमी है तो दोस्तों, उस कंडीशन में इस इंजेक्शन को उस जो है पेशेंट में लगाया जाता है। साथ ही साथ दोस्तों, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो ब्लड थिनर मेडिसिन ले रहा है, जैसे कि दोस्तों वारफेरिन हो गया, तो वारफेरिन ब्लड को पतला कर देती है, इसलिए अगर उसे कहीं चोट लग जाए तो वहां से ब्लड बहुत ज्यादा निकलता रहता है, तो उस कंडीशन में ये विटामिन के इंजेक्शन दिया जाता है ताकि ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प कर सके और वारफेरिन के बैलेंस को मेंटेन रख सके। साथ दोस्तों, इसका उपयोग अगर किसी व्यक्ति की जो बोन्स हैं, हड्डियां हैं, वो कमजोर हो गई हैं, जिसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, तो उस कंडीशन में इसका उपयोग किया जाता है। और ये ऑस्टियोपोरोसिस की दिक्कत दोस्तों ओल्ड लोगों में ज्यादा देखने को मिलती है, तो वहां पे विटामिन के इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। और दोस्तों, इसका उपयोग गर्भवती महिलाओं में भी किया जाता है। दोस्तों, यही है इसके उपयोग, हो सकता है डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से इसको अदर कंडीशन में भी रिकमेंड करे। अब बात कर लेते हैं भैया, हाउ टू यूज, इसको लगाया कैसे जाता है। तो दोस्तों, इस इंजेक्शन को मुख्यतया IM और IV लगाया जाता है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें मुख्य रूप से इसको IM ही दिया जाता है। बात करें डोज के बारे में, तो डोज आपकी कंडीशन सेवेरिटी पे डिपेंड करता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसमें 0.5 मिलीग्राम से लेकर 1 मिलीग्राम जो है लगाया जा सकता है। जरूरत पड़ने पर इसे डॉक्टर रिपीट भी कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। तो इसमें साइड इफेक्ट भी हैं, जैसे कि जहां पे ये इंजेक्शन लगाया जाता है वहां पे रेडनेस, स्वेलिंग वगैरह, रैशेस वगैरह देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, टेस्ट में बदलाव होना या फिर डिजी फील होना, रैपिड हार्ट बीट, मतलब हार्ट बीट बढ़ जाना, पसीना निकलना और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ये जो है इसके कॉमन साइड इफेक्ट हैं। साथ ही साथ दोस्तों, इसके और भी साइड इफेक्ट हो सकते हैं, तो कोई भी आपको साइड इफेक्ट अगर दिखाई देता है तो घबराना नहीं है, आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करें। बात कर लेते हैं भाई, सावधानियां क्या क्या रखनी है। तो दोस्तों, सावधानियां, अगर आपके शरीर में किसी भी प्रकार की कोई अदर कंडीशन है, हेल्थ प्रॉब्लम है, तो उसके बारे में आप अपने डॉक्टर से जरूर बताएं। साथ ही अगर इस दवाई से एलर्जी है तो उसके बारे में आप अपने डॉक्टर से जरूर बताएं, ताकि वो डिसाइड कर सकें कि आपको ये इंजेक्शन लगाना है या फिर नहीं लगाना है। साथ ही साथ दोस्तों, एल्कोहल वाले जो पेशेंट हैं उनमें इस इंजेक्शन को सावधानी पूर्वक लगाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इससे दिक्कत
बढ़ सकती है। तो यही था आज का वीडियो विटामिन के इंजेक्शन के बारे में। आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो भैया चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर करो। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय।